अखिलेश यादव को धोखा देकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर कांग्रेस हारी तो जिंदगी भर नहीं कर पाएगी प्रायश्चित। कांग्रेस को भी वोट मत देना। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से होशियार रहने की अपील कर दी है। कांग्रेस की ये चालाकी उसका हाल होशियार कौवे जैसा कर सकती है। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जनता से बोले अखिलेश, जब कांग्रेस ने हमें धोखा दे दिया तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? कांग्रेस की छवि धोखेबाज पार्टी के तौर पर बन रही है। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के बंसल हो? मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को मतलब की राजनीति बहुत भारी पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव कांग्रेस से 4 से 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश के साथ कौरवों वाला व्यवहार किया। दुर्योधन की तरह कहा कि 4 से 6 सीटें तो क्या, हम सपा को सुई की नोक के बराबर भी सीटें नहीं दे सकते। फिर क्या था, 6 सीटें मांगने वाले अखिलेश यादव ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। 33 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के 5,000 वोट भी काटे तो कांग्रेस की हार का कारण बन सकती है। साथ में आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ रही है, बसपा भी अलग चुनाव लड़ रही है। कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव के आगे देश के चुनाव को भूल गई। 2024 में जब कांग्रेस यूपी में गठबंधन के लिए अखिलेश के आगे हाथ फैलाएगी तो आज के हिसाब से अखिलेश यादव कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली छोड़कर कोई और सीट देने के लिए तैयार होंगे, ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है। जब कांग्रेस ने हमें धोखा दे दिया तो आपकी क्या बात है? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के बंसल हो? सभी छोटे दल अब तक राहुल गांधी के पीछे खड़े होना चाहते थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने बहुत छोटा दिल दिखाया है। उसकी भरपाई उनको 2024 के चुनाव में करनी पड़ेगी। जब कांग्रेस छोटे दलों को सीटें नहीं दे सकती है तो फिर 2024 के चुनाव में किस मुंह से क्षेत्रीय दलों से सहयोग मांगेगी? और क्षेत्रीय दल कांग्रेस का ये चेहरा देखकर बड़े दिल के साथ कांग्रेस का सहयोग करने के लिए तैयार होंगे, ये अब मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।